आज T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम अपना सुपर 12 का चौथा मुकाबला खेलने बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी। भारत के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए आज का यह मुकाबला जीतना आवश्यक है, इसलिए अब सभी इस मैच के आरंभ होने से पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर आज इस मैच में किस टीम को जीत मिलेगी। तो आज हम यहां आपको दोनों के पिछले आंकड़े और वर्तमान परफॉर्मेंस को देखते हुए ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस टीम का आज पलड़ा भारी है। साथ ही हम आपको यहां ये भी बताएंगे कि अभी अभी जो एडिलेड से समाचार आ रही है उस हिसाब से अभी एडिलेड का मौसम कैसा है। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक कुल T20 में 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को 10 में जीत मिली है और बांग्लादेश को सिर्फ 1 में जीत मिली है। तो T20 में भारत का पलड़ा हमेशा से बांग्लादेश के ऊपर भारी रहा है। जहां तक T20 वर्ल्ड कप की बात है तो T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मुकाबला 2009 के T20 वर्ल्ड कप में खेला गया था, जहां भारतीय क्रिकेट टीम 25 रन से जीतने में सफल रही थी। वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा मुकाबला 2014 में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला खेला गया था, जहां भारतीय टीम को 1 रन से जीत मिली थी। 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप में चौथा मुकाबला है और भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपराजित है, इसलिए आज भी भारतीय टीम अपने अजेय अभियान को जारी रखने उतरेगी। इसलिए आज भारत और बांग्लादेश के मैच में आप भारत को जीतते हुए देख सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि अभी अभी जो एडिलेड से समाचार आ रही है उस हिसाब से सुबह से एडिलेड में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश का पूरा मुकाबला यहां खेला जा सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि एडिलेड में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी यहां बारिश रुकी हुई है। T20 वर्ल्ड कप से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।